नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादु मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। इस साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है। कोई 6 सितंबर बता रहा है तो कोई 7 सितंबर। आखिरकार आम आदमी कैसे समझे कि किस दिन जन्माष्टमी मनानी चाहिए? तो आपको बता दें कि 6 सितंबर यानी बुधवार को 3:39 पर अष्टमी तिथि लग रही है, जो कि 7 सितंबर को 4:16 तक रहेगी। यानी 6 सितंबर की रात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बनेगा। इसलिए शैव परंपरा के लोग बुधवार 6 सितंबर को कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। चूंकि वैष्णव संप्रदाय में उदिया तिथि का अधिक महत्व होता है, इसलिए ये लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। जन्माष्टमी की पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त भी 6 सितंबर को रात 11:56 से लेकर देर रात 12:42 तक रहेगा। यानी शुभ मुहूर्त में पूजा के लिए आपको सिर्फ 46 का समय मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार जन्माष्टमी पर विशेष संयोग बन रहा है। 30 साल बाद शनि ग्रह स्वराशि कुंभ में रहेंगे। साथ ही जन्माष्टमी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग वृषभ राशि चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान का संपूर्ण विधि से पूजन करना चाहिए। यदि विशेष रूप से धन या संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय कर ले। संतान प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक करें और भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। कैसे करें पूजा? पूजन विधि में सर्वप्रथम सुबह उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में जाप करना चाहिए। इसके बाद जिस स्थान पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित है, वहां साफ सफाई करके गंगा जल डालकर शुद्ध करना चाहिए। इस स्थान को अशोक की पत्ती, फूलमाला और सुगंध इत्यादि से खूब सजाना चाहिए। इस स्थान पर बच्चों के छोटे छोटे खिलौने लगाएं, पालना लगाएं, प्रसन्न मन के साथ श्री हरि का कीर्तन करें, व्रत रखें। संभव हो सके तो निराहार अथवा फलाहार व्रत रखें। फिर शाम के समय भजन संध्या पूजन करें और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें मीठे पकवान, माखन इत्यादि का भोग लगाएं। तुलसी दल अर्पित करें, फल फूल और मेवा अर्पित करें, केसर चंदन तिलक करें और रात भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपके सभी कष्टों का समूल नाश होगा, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। जन्माष्टमी के दिन भूल से भी ये काम नहीं करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को पूरी तरीके से सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ कपट निंदा दिखावा क्रोध लोभ या मुंह से दूर रहना चाहिए, घर में कलेश नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा के सेवन से परहेज करें, तामसिक भोजन का सेवन न करें, शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मौन धारण करके मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और भजन करते रहिए। अपने मन को सात्विक वृत्ति में रखने की कोशिश कीजिए। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।